आज हम जा रहे हैं कुंवारा भीमसेन ट्रैकिंग के लिए। ट्रैकिंग ये है सतपुड़ा पर्वत, और यहाँ पे ऊपर एक मंदिर है जिस पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पर पहले जो गौंड आदिवासी थे उनका इलाका था, और यहाँ पे उनके 12 गांव बसे हुए थे, और यहाँ पे उनका राजा भी था, किला था उनका। बाद में ये पैंच प्रकल्प भी घोषित हुआ, पैंच डैम भी बना। इस वजह से यहाँ पर 12 गांव डूब गए, 12 से 15 गांव, और ज़्यादा गांव भी डूबे। और ये नागपुर का एक प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस बन के उभरा। तो ये पता नहीं कौन है, ठीक है, और क्या घूमने आए भैया यहाँ पे? कुंवारा भीमसेन कैसा लग रहा? जंगल ही जंगल दिख रहा है। चलो यहाँ पे मैग्नीज बहुत ज़्यादा है, ये मैग्नीज है, देखो ये चमक रहा है। अगर इस क्षेत्र में आप देखें तो इस क्षेत्र में ख़ासतौर पर यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के पत्थरों में जो मैग्नीज है उसकी क्वालिटी, सीसा भी है, देखो ये सीसा और मैग्नीज देखो चमकते हुए दिखेगा आपको, बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए यहाँ से पूरा ऊंचाई तक पहाड़ है, आप चढ़ते जाओ, और ये पूरा ट्रैकिंग, यहाँ से नदियाँ बहती हैं और उसका जो पानी बरसात में सीधा डैम पे जाता है, और बहुत अच्छा लगता है अगर बरसात के समय पे आप आएँ। लेकिन बरसात में चूँकि यहाँ पे पत्थर है, फिसलन है, और रेप्टाइल्स ज़्यादा रहते हैं, इसलिए थोड़ा यहाँ पे ख़तरा रहता है, इसलिए बरसात में लोग आते नहीं। लेकिन ये सर्दी का सीज़न है, इसको सबसे अच्छा माना जाता है ट्रैकिंग के लिए, इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं और ट्रैकिंग करने में मज़ा आता है। ये देखिए इस पत्थर में, यहाँ की चट्टान का एक टुकड़ा लिया है, उसमें देखिए बताओ क्या है, मैग्नीज भरा पड़ा है, मैग्नीज और मैग्नीज का सीसा मिलता है, और दोनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। देखिए एक चट्टान का एक टुकड़ा निकाला है तो उसमें देखिए कितना मैग्नीज है। यहाँ पे पत्थरों में इसी की ज़्यादा शाइनिंग दिख रही है। ये पता नहीं यार कौन सा पेड़ है, बिल्कुल व्हाइट है और चमकता भी अच्छा है। ये देखो ये केवी है, या तो 4-5 है, बहुत है, वही है। ये देखिए देखिए यहाँ पे है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है पैंच के जंगलों का। और ये के बैठे हुए हैं धरती के भोज। ये है यहाँ का फेवरेट ट्रैकिंग जोन, जहाँ से पूरे डैम की क्लियर पिक्चर आती है और पूरा इलाका दिखाई देता है। ये है कुंवारा भीमसेन देवता का मंदिर जो कि बजरंगबली को समर्पित है। इसी मंदिर के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। कितना घना, कितना सुंदर मंदिर, और कितना अच्छा पैंच अभयारण्य। यहाँ पर यह है कुंवारा भीमसेन देवता का मंदिर, ये उनकी पताका जल रही है, और यहाँ से आता है सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर अद्भुत
ये देखिए पेंच अभ्यारण कितना घना बसा हुआ है। और इस पेंच अभ्यारण में सबसे ज़्यादा बाघ देखने को मिलते हैं, बाघ पाए जाते हैं। बाघ पाए नहीं जाते, बाघ डेंसिटी के लिए सबसे ज़्यादा बाघ डेंसिटी यानी टाइगर डेंसिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और इसकी घनापन देखिए कितना घना हुआ, कितना घना ये जंगल है। और यहाँ से लेकर ये एमपी और महाराष्ट्र दो जगह जाता है। और इसी पेंच अभ्यारण्य की वजह से नागपुर को टाइगर कैपिटल बोला जाता है। ये भारत की क्या है, टाइगर राजधानी है। ये देखिए नीचे पूरा पेंच डैम बना हुआ है। और ये स्नेक को पकड़ने वाले कुछ लोग बैठे हुए हैं। कौन से स्नेक को पकड़ते हो भाई? रैटल स्नेक। रैटल स्नेक, क्या विशेषता है उसकी थोड़ी बताओ। कैसा होता है? कैसा होता है? बहुत ही जहरीला होता है। हाँ। जहरीले सांपों में गिना जाता है उसको। हाँ। और उसके जो कोबरा स्नेक होते हैं और भी स्नेक होते हैं, उनके जो दांत होते हैं। हाँ। तो उनके दांतों की कंपैरिजन में इसके दांत हाँ। ज़्यादा ही बड़े होते हैं। हाँ। एक रैटल स्नेक हो गया और बाइपर। हाँ। बाइपर रशल वाइपर, ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। बस इसका जो बॉडी का ऊपरी हिस्सा है जो थोड़ा सा डिफरेंस है, बट इनके दांतों में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। और ये बहुत ही हाईली वेनेमस स्नेक होते हैं। अधिकतर ये चट्टानी इलाकों में पाए जाते हैं। जैसे ये, जैसे कि ये पहाड़े दिख रहे हैं, ये चट्टाने दिख रही हैं। हाँ। तो बीच बीच में ये जगह बनी रहती हैं, तो उनमें छुपे हुए रहते हैं। हाँ। तो रैटल स्नेक का सबसे अच्छा इलाका पहाड़ी होता है, पहाड़ी हिस्सा। इसमें ज्यादा पाए जाते हैं। इससे तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, इससे हम यहाँ पे डर लग रहा है। अच्छा, सही बात है भाई। अगर वो यहाँ पे आना है तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये बात तो सच्चाई है कि यहाँ पे सांप बहुत ज़्यादा है। जंगल है, जंगल में तो होता ही है। होती है। सतर्क होके आए। बताओ बताओ, हाँ, कैसा लग रहा? कैसा लग रहा है जैसे प्रकृति की गोद में आके बैठे हुए हैं। जहाँ तक नज़र जाती है, हाँ, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, जंगली जंगल दिखते हैं। हाँ, तो प्रकृति गोद पे ही बैठी हो तुम। ये देखो पहाड़ कितने ऊंचे हैं। नवोदय इस बीच जंगल में होना चाहिए था। देखो तो वहाँ वहाँ नाव खड़ी है, वहाँ से अपन लोग आते हुए ट्रैकिंग करते हुए करते करते इसी पहाड़ी पर आए हैं। देखो जहाँ देखो जंगली जंगल, देखो तो जंगली जंगल। हाँ तो भैया, ये पेंच है, आप पेंच में हैं और पेंच के बफर जोन में। यहाँ पे मछली पालन भी होता है पीछे इस पेंच डैम में। और जस्ट इसके बगल में हमारा एनबीएस है, यानी कि हम बिल्कुल स्वच्छ वायु में रहते हैं और स्वच्छ पानी पीते हैं। क्यों भाई चीते? चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य है? पेड़ों को काटना मना है।